तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे हाथ में आईटेल कंपनी का स्मार्टफोन है। इसका मॉडल नंबर 1508 है और इस मोबाइल का जो सीपीयू है वो स्पीड ड्रम सीपीयू है, एसपीडी सीपीयू है इसका, और इसका जो सीपीयू का नंबर है 7031। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि इस मोबाइल के अंदर में जो प्रॉब्लम है कि इसमें एफआरपी लॉक है और इसका एफआरपी लॉक हमें अनलॉक करना है और वो भी बिना किसी बॉक्स के। और दोस्तों मैं बता दूं कि बिना किसी बॉक्स के एफआरपी अनलॉक करने के लिए इसमें एक फाइल की ज़रूरत पड़ेगी और वो फाइल 2 MB की है और उस फाइल का नाम है क्विक शॉर्टकट मैकर, ठीक है। तो इस फाइल को आपको पहले डाउनलोड करना होगा और फिर इस फाइल को डाउनलोड करके आपको इस फाइल को चाहे आप मेमोरी कार्ड में डाल करके इस मोबाइल में लगा दें या तो फिर डाटा केबल के जरिए से इसके इंटरनल मेमोरी में आप उस फाइल को डाल दें। तो दोस्तों आप ये देखते हैं, आप मेमोरी में डाल करके भी जो है इस फाइल को इसका एफआरपी अनलॉक कर सकते हैं। और वो फाइल आपको कैसे मिलेगी दोस्तों, मैं बता दूं उस फाइल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे ईएक्स मन्ना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पे रेड कलर सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपने हमारे चैनल को अगर पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है और आपने अभी तक इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया है, तो आप इस घंटे को जरूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए और आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आईटेल मोबाइल का एफआरपी अनलॉक करने के लिए आपको इस फाइल की जरूरत पड़ेगी। आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं ये फाइल, और ये फाइल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूँ इस फाइल को आपको फोन के जो इंटरनल मेमोरी है इस मेमोरी कार्ड में आपको डालना है, ठीक है। फोन को आपको कंप्यूटर में लगा देना है और उसका इंटरनल मेमोरी जब शो करेगा उस मेमोरी के अंदर में आपको जो इस फाइल को डाल देना है। और अगर किसी कारण से इंटरनल मेमोरी कंप्यूटर में अगर शो नहीं कर रहा है तो आप एसडी कार्ड में भी जो है मेमोरी कार्ड में भी है जो इस फाइल को डाल करके उस मोबाइल में लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपको करना क्या है कि जैसे ही ये फाइल डल जाता है मोबाइल में इंटरनल मेमोरी में या एसडी कार्ड के जरिए से आप डाल दें उस मोबाइल में लगा दें उस एसडी कार्ड को। उसके बाद मोबाइल को आपको ऑन कर लेना है। जब मोबाइल आपका ऑन हो जाएगा तो ऑन होने के बाद मोबाइल में आपको वाईफाई कनेक्ट करना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करना होगा और जब तक वाईफाई कनेक्ट नहीं होगा तो ये जो आपको दिखा रहे हैं कि बिना किसी बॉक्स के एफआरपी अनलॉक करना है ये नहीं हो पाएगा। इसमें आपको इंटरनेट कनेक्ट होनी चाहिए, तो आपको यहाँ से वाईफाई से कनेक्ट कर देना है इस मोबाइल को। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसमें जो है वाईफाई कनेक्ट करते हैं, उसके बाद हम आपको आगे दिखाते हैं कि कैसे हमें इसका एफआरपी अनलॉक करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ईमेल आईडी मांगा जा रहा है तो हमें यहाँ पे एफआरपी अनलॉक करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ बता दूँ इस बटन पे आपको कुछ देर जो है आपको अपना उंगली रखना है और ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो ऑप्शन आ जाएगा गूगल का, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं गूगल का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे आपको साइन इन आपको नहीं करना है, यहाँ पे आपको नो थैंक्स पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहाँ पे नो थैंक्स पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे गूगल जो है यहाँ पे आपको टाइप करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका डिवाइस मैनेजर का जो फाइल एक्सप्लोरर यहाँ पे शो करने लगेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे हमने फाइल एक्सप्लोरर हमने पूरी तरह से टाइप भी नहीं किया, सिर्फ हमने एफआई लिखा ही था कि यहाँ ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर यहाँ पे नीचे में दिखा रहा है, ये गैलरी का जो फाइल एक्सप्लोरर ये दिखा रहा है हमें यहाँ पे। तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमें ये हमारे गैलरी में पहुँचा देगा और हमारे गैलरी में जो हमने जो फाइल डाला था क्विक शॉर्टकट मैकर, ठीक है, वो फाइल हमें शो करेगा। तो चलिए हम इस फाइल पर यहाँ पे क्लिक करते हैं फाइल एक्सप्लोरर पर। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फाइल एक्सप्लोरर पर हमने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली हमारा जो गैलरी जो ओपन हो चुका है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है कि हमें यहाँ पे अप्लाइक्शन पर जो यहाँ पे क्लिक करना है।
तो जैसे ही हम यहाँ पे अप्लाइसन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली हमने जो फाइल डाला था यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ फाइल शो कर रहा है, इस फाइल को हमें यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है। तो जैसे हमारा ये फाइल इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद सिंपली हमें यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देना है। और जैसे हम यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे टाइप करने का ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप करना है गूगल अकाउंट मैनेजर, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने पूरा जो है यहाँ पे लिखा भी नहीं कि गूगल अकाउंट मैनेजर, हमने सिर्फ जी ऐसे ही जियो जी सिर्फ लिखा ही था। ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे गूगल अकाउंट मैनेजर शो कर रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। सिंपल सिर्फ गूगल अकाउंट मैनेजर पे हमें क्लिक कर देना है। और जैसे गूगल अकाउंट मैनेजर पे हम क्लिक कर देंगे, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइप एंड, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइप ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो टाइप करना है टाइप पे क्लिक कर देना है सिंपली, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, और जैसे यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर में आप देख रहे हैं यहाँ पे तीन लाइनिंग है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्राउजर साइन इन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, यहाँ पे आपको ओके कर देना है। और यहाँ पे जब आप ओके कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं, चाहे आप अपना या कोई भी ईमेल एड्रेस, जो भी आपके पास ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डाल करके आपको साइन इन करना है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देते हैं। उसके बाद आपको पासवर्ड डाल देना है, और पासवर्ड डाल के आपको साइन इन करना है, और कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों ईमेल आईडी से ऑटोमेटिकली जब आप साइन इन कर देंगे, उसके बाद इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह का ऑप्शन जब आ जाएगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पावर बटन आपको प्रेस करना है, उसके बाद आपको मोबाइल को रीस्टार्ट कर देना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रिस्टार्ट करने के बाद मोबाइल जो है आपका दोबारा फिर से यहाँ पे ऑन होगा, और ऑन होने के बाद आपको यहाँ पे फिर और भी जो है थोड़ा सा इसमें आपको कुछ प्रोसेस करना होगा यहाँ पे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपके किसी काम आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को पहले से अगर सब्सक्राइब कर रखा है और आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो उस घंटे को आप जरूर दबाएं। आप सोचेंगे घंटे को दबाने से क्या होगा, दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप उस घंटे को दबाएंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से देख सकेंगे।